पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वसिष्यते। मंच के सभापति हमारे प्रिय योगी अब निन्नीय अखाड़ा के आचार्य महामंडेश्वर हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैं पूछ ही रहा हूँ। मैं ये बात सब मंचन जानकार करता हूँ, सुनने वालों सबको नमन करते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पूर्वांचल उत्थान संस्था या उत्तरांचल में ये कार्यक्रम कर रही है। क्या मतलब हुआ? सूर्य का उदय कहाँ होता है? पूर्व में। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। ये पूर्वांचल उत्थान संस्था यह द्योतन कर रही है। कभी भारतवर्ष में ज्ञान का अभाव है, सरस्वती मंद पड़ी हुई है। सरस्वती को की बात को रोककर सब लक्ष्मी की ही आराधना में लगे हुए हैं, सबकी बुद्धि कुंठित हो गई है। यह पूर्वांचल उत्थान संस्था यह दिखाना चाहती है कि जो पूरा उदय होता है वह भारतवर्ष के कोने कोने में उत्तरांचल तक फैले। चक्रवाणी कड़वी होती है, वेद में आया है, अमृतमे नदी तमे देव तमे सरस्वती अप्रशस्ता इवस्वती सस्तमं वनस्पति। सृष्टि का तीन रूप है, बहिर्गत और आंतरिक। बहिर्गत में हुआ अम्बी, अम्बा है, माँ है, नदी के रूप में भी थी, अभी भी कहीं कहीं है। अम्बे तमे नदी तमे और देवी है, हमारे भीतर भी सरस्वती है, हमारी माँ है। नदी के रूप में हमारे भीतर ज्ञान के रूप में बहती है और जब वो हमें प्रतिष्ठित होती है तो हमें देवी की तरह पूजनीय बनाती है। वह अप्रशस्त में वसमती हमारे भीतर कोई हुई है, वह आराधना करके हमें प्रकट होवे। तो आज भारतवर्ष में सरस्वती सोई हुई है, ज्ञान का अभाव है, स्वार्थ मैं हो गया है। इस ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए पूर्वांचल उत्थान संस्था जिधर के सूर्य का उदय होता है वहां से अपने उत्तरांचल में प्रवाहित करने आई है। इस बात को लोग समझ जाए, किसी को बुरा लगे तो हमको बुरा मत कहिएगा, क्योंकि सत्य सत्य होता है। और हम इस मंच पर आने का मेरा उद्देश्य एक ही था, नहीं तो मैं किसी सभा से नहीं जाता था। आप लोग हम इस रूप से परहेज करते हैं, हम कर्म में विश्वास रखते हैं, सत्य की आराधना करते हैं और ब्रह्मांड में कोई भी सत्य आवे हम जब सत्य में रहेंगे तो हमको उसकी परवाह नहीं रहती है, क्योंकि सत्य सत्य होता है। अब जब इस संस्था की ये बात और हम अपने यहाँ भी क्या करते हैं, आज ही हम कोई बात भी तो अपने भक्तों को बताए। हमारी पूजा आंतरिक होती है, बहिर्गत पूजा में एकमात्र सरस्वती पूजा ही है जो बहिर्गत करते हैं और करना भी चाहिए। सिर्फ ज्ञान का ही प्रकाश होता है, धन को तो लोग छिपा के रखते हैं, भले पूजा करें। समय का अभाव है, मैंने कुछ बोल दिया, लेकिन और यहाँ हमको एक बुरा लगा, हम आए सरस्वती पूजा कहाँ हुआ हम जानते नहीं, आगे मंच पर बैठा दिया गया, अब क्या करते हम, इसलिए आगे बैठ गए। लेकिन सबसे पहले जो कोई भी आवे यहाँ पूजा हुई है वहाँ पूजा स्थल पर उन्हें ले जाइए, माँ का दर्शन कराइए, क्योंकि सरस्वती जो है वह ज्ञान की देवी है और जब हम हमारे भीतर ज्ञान का उदय होता होगा उसी से वह ज्ञान चाहे ब्रह्म ज्ञान में रूप के रूप में आ जाए चाहे
जीवा के रूप में आ जाए, चाहे कर्म के रूप में आ जाए, चाहे अन्य किसी रूप में आ जाएगा, ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के जब कोई कर्म हम करेंगे तो वही से ही होगा। हमारा पर निवेदन है कि आप सब काम करें, लेकिन सात्विक ज्ञान जो है, जो कि ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर करती है, हम उसी मूलमंत्र के रूप में स्वीकार करें तो हम जो कोई भी कर्म करेंगे वो हमारा कर्म शुद्ध होगा, और जब शुद्ध कर्म होगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो संसार में कहीं कोई हमें बाधा नहीं मिल सकता है। अग्रसर यही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्वामी जी को धन्यवाद देते हैं। बड़ी अच्छी बात है।